नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो ये वॉल डेकोर आप देख रहे हैं इसे ही आज हम तैयार करने वाले हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की रस्सी ली है जिसके कपड़े सुखाने के काम आती है। ये हॉट ग्लू गन ली है और कुछ ग्लू स्टिक्स ली हैं और कार्डबोर्ड को मैंने राउंड शेप में कट करके लिया है। इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में कट करके लिया है और इसके बाद मैंने जो हॉट ग्लू गन को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसको गर्म करने के बाद मैंने रस्सी के एक सिरे को ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है ताकि ये खुले नहीं। और उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड पर बीचों बीच इसको रस्सी को गोल गोल घुमाते हुए और चिपकाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मैं इसको लगाते जाऊंगी, ग्लू गन लगाते जाऊंगी और इसे चिपकाते हुए चलूंगी और इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। दोस्तों हमारी ग्लू गन अच्छे से गर्म होनी चाहिए तभी इसका रिजल्ट अच्छा आता है। और ग्लू गन से हाथ बचाते हुए काम करना है क्योंकि ये गर्म होती है तो इससे हाथ जलने का डर भी रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस बड़े आराम से पेशेंस के साथ करना है और ऐसे प्रेस करते हुए इसको लगाते हुए जाना है। मैंने कार्डबोर्ड के 6 पीसेस कट किए हैं इनको डिफरेंट साइजेस में और कुछ जो छोटे पीस हैं बहुत ही छोटे उनको मैंने ये कार्डबोर्ड से नहीं बनाया है। मेरे पास कुछ वेस्ट सीडीज पड़ी हुई थी तो उनका यूज़ किया है और उनके ऊपर भी मैंने इसी तरह की रस्सी को चिपका कर बनाया है। मैंने टोटल 11 पीस बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी कम या ज़्यादा पीस बना सकते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत तरह के वॉल डेकोर पीसेस मिलते हैं, काफ़ी कॉस्टली रहते हैं और सब लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। अपने जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ तैयार करते हैं और उससे घर सजाते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है।
इसी तरह से मैंने सारे कार्डबोर्ड पर रस्सी को हॉट ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया। मैंने इनके किनारे को भी कवर कर दिया है और पीछे की तरफ मैंने छोटे छोटे रस्सी से हुक भी बना दिए हैं और उन्हें ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। और जब ये सब तैयार हो गए तो मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लेकर इन सबको गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया। आप किसी भी कंपनी का स्प्रे पेंट ले सकते हैं। और जब हम स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं तो उसको पहले अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। और अगर आप स्प्रे पेंट नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे पेंट को करने के बाद मैंने इन सब को सूखने के लिए छोड़ दिया था। पेंट सूखने के बाद मैंने कुछ मिरर लिए हैं। कुछ बड़े साइज़ के मिरर हैं और कुछ छोटे साइज़ के मिरर हैं। बड़े साइज़ के मिरर को मैंने बड़े वाले पीसीस पर और छोटे साइज़ के मिरर को मैंने छोटे वाले पीसीस पर लगा दिया है। और मिरर लगने के बाद इस डेकोर पीस की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। और जब मैंने मिरर लगा दिए, सब ये तैयार हो गया, तो मैंने नीचे रख कर ही इसको इसका पैटर्न बनाने की कोशिश की। जो पैटर्न मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसका मैंने फ़ोटो खींच लिया और उसी की हेल्प से मैंने इसे वॉल पर हैंग किया। तो ऐसा करने से ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। अगर आप भी इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ इसी तरह से आप भी इसका फ़ोटो लें और उसके बाद इसको दीवार पर हैंग करें। वॉल पर हैंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।